नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। 24 के रन के 5 चरण पूरे हो चुके हैं और 428 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है और इन 5 चरण में नंबर गेम कौन जीत रहा है, बीजेपी मिशन 400 के पार के कितनी करीब पहुंची है, क्योंकि हर दल अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं, लेकिन किसके कैलकुलेशन में दम, किसके नंबर कम, ये समझने के लिए हमें एक रिपोर्ट आपको दिखानी होगी। आप देखिए इस रिपोर्ट को। चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। चार सौ 28 सीट, 5 चरण, कौन जीत रहा, 24 कारण। एक 115 सीटों की आखिरी लड़ाई, किसका जोश कितना हाई, क्या कहता है 5 चरण का विश्लेषण। और जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। चौबीस की सियासी चौसर का खेल निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 5 चरण की वोटिंग और नेताओं के दावों के बीच सीटों का गुणा गणित समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर अब तक मतदान क्या इशारा कर रहा है। 5 चरणों की वोटिंग में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और बाकी के 2 चरणों के प्रचार में किसके आंकड़ों में दम दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन, ये पहले पस्त थे, 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद ये साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार आभार। अब तक देश के 28 में से 20 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 में मतदान हो चुका है। देश की 428 यानी 79% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब इन 2 चरणों के चुनाव के लिए सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है, जनता का भरोसा जीतने के लिए सीटों के आंकड़ों का दावा कर रही है। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है, आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। हालांकि जीत वाले चुनावी दावे सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं हैं। 5 चरण के बाद अब इंडिया गठबंधन के नेता भी आंकड़ों में जीत का हिसाब बता रहे हैं, 4 जून के नतीजों में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए
और जनता को गाली मत दीजिए। नेताओं के इन बयानों और दावों के बीच बता दें कि अब तक लोकसभा की जिन 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है 2019 में, उसमें से 238 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बात अगर एनडीए की करें तो उसे 275 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 44, यूपीए 85, जबकि 68 सीटों पर अन्य पार्टियां विजय रही थी। देखिए 2014 और 2019 इन दो चुनावों से ये बिल्कुल इतर चुनाव है, तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि इस बार बड़ा कांटे की लड़ाई है। अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, तो कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। जो 5 चरण हो चुके हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो चाहे एक कम हो रही हो, लेकिन हर चरण में जो मैंने वहाँ के लोगों से जानकारी की बात, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। अगले दो चरणों की लड़ाई 115 सीटों की है, और चुनावी समर में ये दो चरण बेहद अहम है, क्योंकि इसमें से 65 सीटें बीजेपी जबकि 77 सीटें एनडीए के पास है। कांग्रेस के खाते में 8, यूपीए के पास 9 और अन्य पार्टियों के पास 29 सीटें हैं। निश्चित रूप से 5 चरण हो गए हैं और अब 115 सीटों पर मतदान होना है, और ये अधिकांश जो हैं वो पूर्वांचल की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी की 19 में टैली थी उसमें कमी नजर आ रही है, दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, तो परिणाम बड़े अजीबोगरीब हो सकते हैं। मतलब सीधा ये है कि वहाँ कमंडल काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कमंडल फिर एक बार विपक्ष के लिए एक उभर के आया है। 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होगी, जबकि 1 जून को 7वें चरण की। इस बीच चुनाव प्रचार में जीत के दावों का शोर तेज होगा, विरोधियों पर हमला और भी तीखा होगा, क्योंकि ये 24 की 64 में चली जाने वाली आखिरी दो चाले हैं जो अगले 5 साल तक सत्ता का स्वाद बनाए रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी है, गर्मी लगने से तबीयत बिगड़ी है। शाहरुख को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है, तो फिलहाल ये राहत की बात है। शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी है, दरअसल आपको बता दें हालांकि अब उनकी तबीयत स्थिर है क्योंकि जांच की गई है, जांच के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी मिल गई है। भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी के चलते बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी है, गर्मी लगने की वजह सामने आई है तबीयत बिगड़ने के पीछे। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां पर से उन्हें फिलहाल छुट्टी मिल गई है, जांच डॉक्टर्स के द्वारा की गई और अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो अपने घर में आराम है। छठे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी की और अमित शाह की जोड़ी ने विरोधियों पर जोरदार वार किया है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में मोर्चा संभाला, तो पश्चिम बंगाल के कांथी और डेबरा में अमित शाह ने ममता सरकार की घेराबंदी की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से बंगाल तक मोदी शाह का तूफानी अभियान, छठे चरण से पहले विरोधियों को चौतरफा घेरने वाला प्लान। चुनावी समर का ये आखिरी दौर है, 5 चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन पीएम मोदी की एनर्जी में जरा भी कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जब आसमान से आग बरस रही थी, जब पीएम मोदी विपक्ष पर धुआंधार प्रहार कर रहे थे, ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है, और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे।
पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। इस दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक मोर्चों पर बढ़ते भारत के कद का भी जिक्र किया। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है। उधर पश्चिम बंगाल के कांथी में अमित शाह ने ममता सरकार पर एक साथ कई प्रहार किए और ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं, ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, खोल कर। इस दौरान अमित शाह ने पश्चिमी मेदिनीपुर के डेबरा में भी जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी गठबंधन की नीयत पर सवाल खड़े किए। ये जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दो खेमे पड़े हुए, एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर इंडी अलायंस लड़ रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सारा गठबंधन, एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे मगर उस पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये इंडी अलायंस और तृणमूल कांग्रेस है। बस कुछ दिन का इंतजार बाकी है क्योंकि 4 जून को चुनाव की असल झांकी है। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की एंट्री हो गई है। विनय सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बात की और सीएम आवास पर हुई घटना को चिंताजनक बताया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल भी उठाया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल की मालीवाल केस में एंट्री, एलजी ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। स्वाति मालीवाल को किया न्याय दिलाने का भरोसा, आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और इस मामले की जांच दिल्ली के बाद मुंबई तक पहुंच गई है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल की इस मामले में एंट्री से सियासी पारा हाई हो गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी ली और कथित हमले पर दुख जताया। फिर स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने बयान जारी करके कहा,
कि मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में ऐसी घटना का होना सबसे ज्यादा चिंताजनक है। स्वाति मालीवाल ने मुझे अपना दर्दनाक अनुभव और उनको मिली धमकियों के बारे में बताया। उन्होंने सबूतों से कथित छेड़छाड़ और धमकियों के लेकर भी चिंता व्यक्त की। एलजी ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने कई मुद्दों पर मेरी आलोचना की, लेकिन उन पर की गई कोई भी शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि पहले तो आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने घटना की पुष्टि की, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। इसके साथ ही विनय सक्सेना ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं उपराज्यपाल के बयान पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला और स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही बीजेपी पर चुनाव में हार की डर से स्वाति मालीवाल का सहारा लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोप पर पलटवार किया है और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में जो जाता है, चाहे उनका चीफ सेक्रेटरी हो या उनकी राज्यसभा की मेंबर हो, उनकी पिटाई करवा देते हैं। तो कान से खतरा किससे है? जिन्होंने किसी की पिटवाई करवाई वो करने वाले हैं? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है। मुझे किसी पत्रकार ने आज सुबह बताया कि ऐसा ऐसा संजय सिंह ने बयान दिया। संजय सिंह ने तो ये भी बयान दिया था कि स्वाति मालीवाल जी के साथ मिसबिहेवियर हुआ, पर केजरीवाल जी तो उसमें भी चुप है अभी। उधर सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची है। सूत्रों का दावा यह है कि विभव ने अपना मोबाइल फॉर्मेट खुद ही करने की बात स्वीकारी है, लेकिन पुलिस को इस बात पर शक है और इसीलिए विभव से पूछताछ करके उसका बयान दर्ज करेगी। इन दिनों स्मोकी पान काफी ट्रेंड में है, जिसका पार्टियों में भी इस्तेमाल होता है। दरअसल बेंगलुरु में 12 साल की एक बच्ची शादी के रिसेप्शन में गई, वहां उसने स्मोकी पान खाया, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी आंत में छेद हो गया है। देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु की इस घटना की काफी चर्चा हो रही है। यहाँ एक 12 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ शादी के रिसेप्शन में गई, लेकिन यहाँ से उसे सीधा अस्पताल जाना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर्स ने जो बताया उसके घर वाले भी जानकर दंग रह गए। बच्ची ने स्मोकी पान खाया था, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन की मात्रा अधिक थी, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक माना जाता है। अभी सब हुआ कैसे? जो हम पान की बात कर रहे हैं उसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है। लिक्विड नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि कई लोगों ने जब उसको अल्कोहल के साथ लिया तो उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। अगर इसको आइसक्रीम के साथ या किसी भी चीज के साथ लिया जाता है तो ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सर्जरी के बाद बच्ची की हालत में कुछ सुधार है। उसे 2 दिन आईसीयू में रहना पड़ा और अस्पताल से 6 दिन के बाद छुट्टी मिल पाई। तो अगर आप भी सोशल मीडिया पे कोई चीज देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी चीजों का आप पर असर पड़ सकता है। आप सोचिए कि एक पान से किसी के पेट में क्या छेद हो सकता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो है कई जगह पर प्रतिबंध भी है, उस पर बैन लगा हुआ है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है और डॉक्टर्स भी इससे बचने की सलाह देते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली।